इट्स मी। कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में आके डिफरेंस क्या होता है? वेल, एवरीडे कंप्यूटर्स जिसका हम रोजाना यूज करते हैं, या फिर आपने कभी ना कभी तो इसका यूज किया होगा काफी सारी चीजें करने के लिए, लाइक कुत्ते और बिल्लियों की वीडियोस देखने के लिए, वेब पे अश्लील चीजें देखने के लिए, या फिर 10-10 घंटे गेम खेलने के लिए, और अगर थोड़ा टाइम बच जाए तो थोड़ा सा स्टडी या फिर कोडिंग करने के लिए, या फिर और भी कई सारे जनरल पर्पस टास्क के लिए। अब अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो दे आर लाइक द बिग डैडीज, बड़े भारी और हमारी औकात से कोसों दूर। सुपर कंप्यूटर्स हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती है जिन्हें बहुत बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल स्पीड्स में डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है। इन्हें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशंस लाइक स्टार कैसे बना, गैलेक्सीज के बिहेवियर्स, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च लाइक कि यार मतलब सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ फोड़ के थोड़ी ना देख सकते हैं, सिमुलेशंस भी तो रन किए जा सकते हैं ना उनके, और फिर फर्दर प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जो डेटा हैवी टास्क होते हैं ना उन्हें किया जा सकता है सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके। सुपर कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा फास्ट होते हैं इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि एक सेकेंड में, हाँ एक सेकेंड में आप ट्रिलियंस या फिर क्वाइंट ट्रिलियंस विच इज 1 बिलियन जितनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस नंबर, इट्स जस्ट अ माइंड फकिंग नंबर मैन। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सुपर कंप्यूटर्स आखिर इतनी हाई स्पीड कैसे अचीव कर पाते हैं? वेल, मेन रीजन है जहां नॉर्मल कंप्यूटर्स के पास वैरायटी ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर्स होते हैं, टिपिकली कुछ प्रोसेसिंग कोर्स लाइक 2 कोर, 4 कोर्स, मे बी 6 से 8 कोर्स। ऑन द अदर हैंड सुपर कंप्यूटर्स के पास मैसिव पैरेलल आर्किटेक्चर होते हैं जिसमें 1000 से लेकर millions तक प्रोसेसिंग कोर्स हो सकते हैं जो कि एक ही साथ वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर। इसी की वजह से इतनी हाई नहीं इनसेन स्पीड्स में वर्क कर पाते हैं ड्यू टू इनसेन प्रोसेसिंग पावर। अब इस इनसेन प्रोसेसिंग पावर का इनसेन पैसा भी तो लगेगा ना, जहाँ रेगुलर कंप्यूटर्स कुछ ही $100 से लेकर कुछ $1000 में आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में टेंस ऑफ मिलियंस से लेकर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, जो कि एक बैंक फाड़ नंबर है। इसी की वजह से मोस्टली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यही मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर पाती है जिनके पास मोटा पैसा होता है। अगर हम पूरी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका टाइटल जाता है फ्रंटियर के पास, जिसे बनाने में पूरे $600 मिलियन लगे थे, विच इज अराउंड 5000 करोड़ रुपए। ये पहली बार 2022 में ऑपरेशनल हुआ था और इसकी स्पीड के तो क्या ही कहने। ये पहला सुपर कंप्यूटर था पूरी दुनिया का जिसने एग्जा स्केल को अचीव किया था, यानी 1 क्विंट्रिलियन या फिर 1 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। ये 1.1 एग्जा फ्लॉप्स तक पहुंच पाया था। तो फ्रंटियर को ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज ने बनाया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए। सो सुपर कंप्यूटर्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल टूल्स होते हैं फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग वेरियस इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस व्हिच कैन लीड टू एडवांसमेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेगुलर कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड बिकॉज दे आर वर्सेटाइल एंड मेनली एक्सेसिबल, जिसे हम और आप जैसे लोग भी, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस भी कंप्यूटिंग को एक्सेस कर पाए। और यार बिना रेगुलर कंप्यूटर्स के वर्ल्ड को जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते आज हम। एंड दैट्स व्हाई कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स ईच हैव देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड रोल्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू।